सुटेक फैमिली, आज हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप की, जो कि अगर आपको एज अ क्रिएटर लैपटॉप यूज़ करना है, एज अ डेवलपर यूज़ करना है, लाइक वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, प्रोग्रामिंग, कोडिंग या एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, आप सभी के लिए ये लैपटॉप बहुत शानदार होने वाले हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी बात करते हैं लैपटॉप की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप की। तो गेमिंग लैपटॉप में मैंने रखा है नंबर 2 पर MSI की ओर से लैपटॉप। मैं बात कर रहा हूँ MSI ब्रावो की। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप एक छोटे शहर से आ रहे हो या रहते हो, एक गांव में रहते हो, तो भाई देख लेना कि आपके सिटी या स्टेट में या विलेज में इनका सर्विस सेंटर आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आप एक बड़े शहर में रह रहे हो आप तो ले सकते हो, लेकिन अगर आप छोटे शहर में कोई दिक्कत आ जाती है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। अभी बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। 15.6 इंच के साथ आपको फुल HD डिस्प्ले मिलेगी, 144 रिफ्रेश रेट के साथ, राइजन 5 5600H प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि तगड़ा प्रोसेसर है। 8GB रैम है, 16GB रैम अपग्रेड कर सकते हो, 512GB आपको SSD देखने को मिलेगी, RX 5500M इसमें ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा, GPU देखने को मिलेगा जो कि 4GB के साथ देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11, Wi-Fi 6 की सपोर्ट, RGB बैकलाइट कीबोर्ड के साथ मिलेगा, ब्लैक कलर में देखने को मिलता है, 5 to 6 आवर्स का बैटरी बैकअप, सर्विस स्टेशन आप चेकआउट कर लेना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आपके सिटी स्टेट में। और कोई लैपटॉप में दिक्कत नहीं है। अगर लैपटॉप के प्राइस रेंज की बात करूं, आपको ये लैपटॉप 52,000 से लेके 53,000 के प्राइस रेंज में Amazon पे अवेलेबल देखने को मिल जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखना, इसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज भी हो सकता है, लेकिन इतने प्राइस रेंज में नॉर्मली ईजिली मिल जाता है, इसीलिए मैंने इसको नंबर 2 पर रखा एंड इसीलिए मैंने को इस कैटेगरी में रखा। तो गेमिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए ये बहुत शानदार होगा। अगर आपको कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना है आप कर सकते हो। अगर आपको 4K वीडियो एडिटिंग करनी है या 4K गेमिंग करनी है, 8GB रैम से रैम को अपग्रेड कर लेना, 16GB कर लेना, तो इजीली हैंडल कर लेगा। डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी होने वाली है, 144 रिफ्रेश रेट है, तो आप सभी को पता ही है। अभी बात करते हैं आगे, मतलब नंबर 1 की। नंबर 1 की बात करूं, नंबर 1 पे यार मैंने रखा है HP Victus को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, अगर आपका बिल्ड अंडर 16,000 है तो आप HP की और भी जा सकते हो। लाइक सबसे ज़्यादा मैसेज ये आते हैं, मैं जो HP का डेल का लैपटॉप चाहिए। अगर आप भी उनमें से आते हो अपने इंडिया की तरह कि आपको HP का ही लैपटॉप चाहिए, आपको डेल का ही लैपटॉप चाहिए, तो आप HP Victus को चेकआउट कर सकते हो। 55,990 के प्राइस रेंज में आपको ये लैपटॉप देखने को मिलेगा, 16.1 इंच के साथ डिस्प्ले मिलेगी, फुल HD डिस्प्ले, तो डिस्प्ले क्वालिटी बड़ी होने वाली है, सॉरी डिस्प्ले साइज जो है वो बड़ा होने वाला है, लेकिन ये 16 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेगी, ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना। तो डिस्प्ले क्वालिटी थोड़ी सी कम आपको मिलती है, सीधी सी बात है। राइजन 5 देखने को मिलेगा, प्रोसेसर 5600H के साथ, एंड 8GB रैम है, 32GB रैम अपग्रेड कर सकते हो, 512GB आपको SSD मिलेगी, प्लस आपको ना इसमें SSD स्लॉट भी मिल जाता है, तो रैम को अपग्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका प्लस पॉइंट आ जाता है कि आपको स्टोरेज का पंगा नहीं रहेगा, रैम का कोई दिक्कत नहीं रहेगा, बिकॉज 32GB रैम अपग्रेड कर सकते हो, एक आपको पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है। लेकिन अगर कमी है तो थोड़ी सी डिस्प्ले में है, जो कि 60 रिफ्रेश रेट के साथ मिलती है। अगर यार ये 120 भी होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता, बल नहीं मिला तो अभी क्या कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 मिलेगी, 2019 आपको MS Office, Alexa बिल्डिंग देखने को मिल जाता है, एंड अगर मैं GPU की बात करूँ आपको AMD RX 5500M इसमें भी देखने को मिल जाता है GPU, जो कि 4GB के साथ मिलेगा, पोर्ट्स वगैरह की दिक्कत नहीं आएगी, Wi-Fi 6 की सपोर्ट, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिलेगा, बैकलाइट कीबोर्ड के साथ आपको ये लैपटॉप मिल जाता है। तो इसके प्राइस रेंज की बात भी फिर से कर लेते हैं, आपको 55,990 के प्राइस रेंज में HP Victus देखने को मिलेगा। एक बार आप पॉज कर लेना, इसके स्पेसिफिकेशन खुद भी पढ़ लेना, लेकिन अगर आपको डिस्प्ले थोड़ी सी ज्यादा अच्छी चाहिए तो आप HP के ही लैपटॉप की ओर जा सकते हो। मैं बात करूं HP विलियन की, इसके स्पेसिफिकेशन अच्छी है, लेकिन इसमें जो GPU आपको मिलता है वो आपको RTX सीरीज के देखने को मिलता है 1615 4GB के साथ। तो आप देख लेना, अगर आपको नए GPU की ओर जाना है तो जा सकते हो आप HP Victus की ओर, लेकिन अगर आपको डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी चाहिए तो HP पवेलियन की ओर आप जा सकते हो। 2 लैपटॉप बता दिए मैंने अभी आपको HP की ओर से। अभी बात करते हैं लाइक अगर आपको एज अ प्रोफेशनल लैपटॉप चाहिए, आपको किन लैपटॉप की ओर जाना चाहिए। मैं 4 लैपटॉप आपको रिकमेंड करने वाला हूं।
तो अभी बात करते हैं प्रोफेशनल लैपटॉप की। प्रोफेशनल लैपटॉप की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सभी आपको 2021 मॉडल या 2022 मॉडल ही देखने को मिलने वाले हैं। लाइक अगर आपको ट्रैवलिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, कोडिंग के लिए, फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ, कुछ भी यूज़ करना चाहते हो एज अ प्रोफेशनल, एज अ क्रिएटर, एज अ डेवलपर, आप सभी के लिए ये लैपटॉप बहुत अच्छे होने वाले हैं। बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पर यार मैंने रखा है MI नोटबुक अल्ट्रा को। सबसे पहले बता दूं इसके दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, एक आता है 8GB रैम के साथ, दूसरा आता है 16GB रैम के साथ। जो 16GB रैम के साथ आता है उसका प्राइस है 59,990 रुपीज़, एंड अपने प्राइस रेंज में सेट बैठ जाता है। आपने इसी लैपटॉप की ओर जाना है अगर आपको कलर ग्रेडिंग करनी है, फोटोशॉप यूज़ करना है, लाइक अगर आप एज अ क्रिएटर काम करते हो, कार्टून वगैरह भी ड्रॉ करना है, तब भी आपने इसी लैपटॉप की ओर जाना है, किसी और लैपटॉप की ओर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों कह रहा हूं, बिकॉज इसमें आपको 15.6 इंच के साथ डिस्प्ले मिलती है जो कि क्वाड एचडी डिस्प्ले है 100% sRGB के साथ, 90 रिफ्रेश रेट के साथ। तो क्वाड एचडी डिस्प्ले है, जो कलर ग्रेडिंग का एक्सपीरियंस होगा ना इस लैपटॉप में वो बहुत तगड़ा होने वाला है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं। i5 11th जनरेशन प्रोसेसर है, 4 कोर प्लस 12 थ्रेड के साथ मिलेगा, 16GB रैम है, 512GB आपको SSD मिलेगी, वो भी M.2 NVMe SSD, इंटेल एरिस एक्स ग्राफिक कार्ड मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11, 2021 आपको MS ऑफिस मिलेगा, से सभी मिल जाएंगे, बैकलेट के ऊपर के साथ आता है, फिंगरप्रिंट रीडर मिल जाएगा, वाईफाई 6 की सपोर्ट, एंड भाई ये बिग बैटरी लैपटॉप है, आपको 12 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा MI नोटबुक अल्ट्रा में। याद रखना एक वेरिएंट और आता है जो कि 8GB रैम के साथ आता है, लेकिन आपने उसकी और बिल्कुल भी नहीं जाना, बिकॉज रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि गलती मत कर लेना। आगे बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 की बात करूं, नंबर 3 पर यार मैंने रखा है ASUS की ओर से लैपटॉप। मैं बात कर रहा हूं ASUS VIVOBOOK 15 की, आपको 57,990 रुपीज़ के प्राइस रेंज में i5 12th जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि 2022 में एक मंथ पहले ही लॉन्च हुआ है। भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ा ये प्रोसेसर है, अगर आपको कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो भाई ईजिली हैंडल करेगा। 12 कोर का ये CPU देखने को मिल जाता है, एंड स्टाइल लुक वगैरह इस लैपटॉप का बहुत ज़्यादा अच्छा है, ट्रैवलिंग के लिए अच्छा होने वाला ये लैपटॉप। 15.6 इंच के साथ फुल HD डिस्प्ले, 220 नेट्स ब्राइटनेस के साथ, i5 12th जनरेशन मैंने आपको पहले बता दिया, 8GB रैम, 24GB रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन, 512GB आपको SSD मिल जाती है, विंडो 11 देखने को मिल जाता है इसमें आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम, पोर्ट्स वगैरह की दिक्कत नहीं आएगी, 720p वेब कैमरा, वाईफाई 6 की सपोर्ट मिल जाती है, ब्लूटूथ वर्जन की बात करूं आपको 4.0 मिलेगा, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है, 8 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा ASUS VIVOBOOK 15 में। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिए, 57,990 रुपीज़ के प्राइस रेंज में आपको ये लैपटॉप मिल जाता है। आप इस लैपटॉप की ओर भी जा सकते हो अगर आपको कोई भी काम करना है जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है, तो बहुत अच्छा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लेना। आगे बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर यार मैंने रखा है HP 15S को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, 15.6 इंच के साथ फुल HD डिस्प्ले, i5 12th जनरेशन के साथ प्रोसेसर, 8GB रैम है, 16GB रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन, 512GB आपको SSD, Iris Xe ग्राफिक कार्ड, 2021 आपको MS ऑफिस देखने को मिलेगा, 720p वेब कैमरा, वाईफाई 6 की सपोर्ट मिल जाती है, ब्लूटूथ वर्जन आपको 4.0 मिलेगा, पोर्ट्स वगैरह सभी मिल जाएंगे, एंड इसका बजट जो है वो आपको 16,000 देखने को मिलता है। अगर आपको HP का ही लैपटॉप चाहिए आप इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो, लेकिन एक और लैपटॉप मैं आपको HP की ओर से रिकमेंड करूँगा, जो कि मैं ये बोलूँगा कि आपको उसी लैपटॉप की ओर जाना चाहिए, लेकिन अपने प्राइस रेंज से थोड़ा सा अपर चले जाता है, आपको 65,000 के प्राइस रेंज में ये लैपटॉप मिलेगा। अगर आप बाई कर सकते हो कर लो, लेकिन अगर आप 60,000 से ऊपर नहीं जा सकते तो आप HP 15S की ओर ही जाना, बिकॉज ये 60,000 के प्राइस रेंज में मिल रहा है। इसीलिए मैंने आपको दो लैपटॉप बता दिए HP की ओर से, एक 60,000 के प्राइस रेंज में, एक 65,000 के प्राइस रेंज में। अभी बात करते हैं नंबर 1 की, मतलब HP पवेलियन की। अगर मैं बात करूं HP पवेलियन की, तो आपको 15.6 इंच के साथ फुल HD डिस्प्ले, 250 नेट्स ब्राइटनेस के साथ, i5 12th जनरेशन इसमें भी मिलेगा, 8GB रैम मिल जाती है, 60GB रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन, 512GB आपको SSD मिलेगी। उसके बाद GPU की बात करूं, आपको इंटेल एरिस एक्स ग्राफिक कार्ड मिलेगा, विंडो 11, 2021 आपको MS ऑफिस मिलेगा, पोर्ट्स वगैरह की दिक्कत नहीं आएगी, वाईफाई 6 की सपोर्ट, ब्लूटूथ वर्जन की बात करूं आपको 4.2 मिलेगा, Alexa बिल्ट इन मिल जाता है, 720p वेब कैमरा मिलेगा HP पवेलियन में। तो भाई
ये लैपटॉप थे जो कि फॉर क्रिएटर्स के लिए, फॉर डेवलपर्स के लिए, ट्रैवलिंग के लिए आपको बहुत सूट करेंगे अगर आप एज अ प्रो, एज अ प्रोफेशनल काम करते हो। अभी बात करते हैं कि लैपटॉप कौन सा लेना चाहिए। अगर आप 65,000 से अपर जा सकते हो तो भाई आप HP पवेलियन की ओर जाना, लेकिन अगर आपको HP का ही लैपटॉप चाहिए, बजट भी आपका 16,000 है, HP 15S परफेक्ट होगा आपके लिए। लेकिन अगर आपको कलर ग्रेडिंग करनी है, फोटोशॉप करना है, जहाँ आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है उसमें कलर ग्रेडिंग करनी है, तो भाई MI नोटबुक अल्ट्रा बहुत अच्छा होगा। क्वाड HD डिस्प्ले मिलेगी। ASUS वीवोबुक 15 की बात करूं, स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे हैं, 24GB रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन सिर्फ उसी में मिलता है भाई, वो भी लैपटॉप बहुत अच्छा होगा एंड उसका बजट सभी लैपटॉप में से कम आपको देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको जाते जाते सिर्फ ये बोलूंगा, 4 लैपटॉप बताए हैं, पैसा वसूल है, लेकिन भाई अगर आपका बजट कम है, बजट कम में आपको पैसा वसूल लैपटॉप चाहिए, ASUS वीवोबुक 15 जो है वो पूरे नंबर लेकर जाता है 57,990 रुपीज़ के प्राइस रेंज में। स्पेसिफिकेशन सबसे ज़्यादा अच्छे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए तो HP विक्टस की ओर जा सकते हो, या MSI ब्रावो की ओर जा सकते हो। अगर आपको प्रो प्रोफेशनल लैपटॉप चाहिए तो ASUS वीवोबुक 15, लेकिन अगर आपको कलर ग्रेडिंग का एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए तो MI नोटबुक अल्ट्रा। तो यार ये लैपटॉप थे जो कि 60,000 के प्राइस रेंज में पैसा वसूल मिल जाते हैं आप सभी को अगर आप बाय कर लेते हो। अगर आप जुलाई में मेरी वीडियो देख रहे हो 2022 में, तो आप सभी के लिए ये लैपटॉप अच्छे होंगे। प्राइस ऊपर नीचे सभी लैपटॉप को हो सकता है, अमेजोन पे प्राइस फिक्स नहीं होता, मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। तो यार अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू।